नमस्कार दोस्तों, समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके काम की है। दोस्तों, आप भी पेशाब करने जाते होंगे, अगर पेशाब करते समय आपके सामने झाग आ जाए तो सावधान हो जाइए। बता दें कि कुछ लोगों को झागदार पेशाब आने लगती है। इसके पीछे कई असामान्य और सामान्य कारण हो सकते हैं। यह अंदरूनी गड़बड़ी की ओर भी इशारा करती है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि यूरिन में जो झाग यानी बबल्स जो है उसके आने का मतलब क्या होता है, क्यों बनते हैं यूरिन में बबल्स। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है डिहाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, शरीर में पानी की कमी के चलते कई बार यूरिन में बबल्स बनने लगते हैं। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में हो जाती है तो शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो पेशाब जो है बहुत गाढ़ा हो जाता है और इसके कारण जो है जब भी पेशाब करते हैं तो उसमें जो है झाग आने लगती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। दोस्तों, अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमारे किडनी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऐसे तत्वों का ज़्यादा सेवन करने से किडनी पर असर पड़ता है और इस वजह से प्रोटीन जो है यूरिन से बाहर निकलने लगती है और जिस कारण जो है पेशाब में झाग आने लगती है। तो बता देते हैं कि मछली में और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन लोगों को जो ड्रिंक्स दिया जाता है उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको जो है प्रोटीन से संबंधित खाद्य पदार्थों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और इसके कारण जो है आपका जीवन जो है एक खतरा भी बन सकता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं तीसरे कारण की। दोस्तों, तीसरा कारण है प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था। तो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों में एक है यूरिन में झाग बनना। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के समय किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है जिसकी वजह से प्रोटीन लीक होता है और इसी वजह से यूरिन में बबल्स बनने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पेशाब में झाग आ रहा है तो लापरवाही मत कीजिए और ख़ास करके नज़रअंदाज तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह बीमारी जो है किसी को भी हो सकता है और इसको अभी जा कर के जो है अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। डॉक्टर से मशवरा लेकर के कुछ एंटीबायोटिक दवाएँ खाने के बाद जो है आपको जो है इस समस्या से निजात आपको मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है ज़रूर आपके काम में आएगा और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस जरूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।